The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Inflammation एक ऐसा process है जिससे आपकी body के जो इम्यून प्रोटेक्शन सेल्स है, जो वो सेल्स है जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, वो सेल्स आपकी बॉडी को बाहर से आने वाली चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट करते हैं. दैट इज़ इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन इज योर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. जैसे कि पुलिस वाले बैरिकेड लगाते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, पानी फेंकते हैं, या जो भी उनके हथकंडे होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, वो भीड़ कंट्रोल करने के लिए, बाहर से आने वाले लोगों को, ट्रैफिक को, या बेसिकली नॉन सोशल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कि आपको नुकसान ना हो जाए. वैसे ही बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है जिससे कि एक मान लीजिए अलार्म बजने वाली चीज़ है कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ प्रॉब्लम हो गई, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ. सेम थिंग, जैसे मान लीजिए कोई सायरन, कहीं दंगा फसाद हो गया, तो जो सिस्टम पुलिस का होता है वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर है, उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं. सो इन्फ्लामेशन को बिल्कुल ऐसे समझेंगे तो ही आपके समझ में आएगा. सो होता क्या है, जब भी आपके अंदर कोई भी बीमारी होती है, कोई भी इन्फ्लामेटरी ऑब्जेक्ट यानी फॉरेन ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस चला जाता है, वो आपके शरीर में ये सारे अलार्म ट्रिगर कर देता है. और यही इन्फ्लामेटरी सिस्टम है जिसके वजह से जब भी आपको मच्छर काटता है तो वहाँ लाल हो जाता है, वहाँ सूजन आ जाती है, वहाँ दर्द या जलन होती है. इन्हीं के वजह से आपको जॉइंट पेन होते हैं, इन्हीं के वजह से आपको जॉइंट में स्टिफनेस या कोई भी मेजर लॉस ऑफ फंक्शन होता है बॉडी में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन. ये इन्फ्लामेशन के वजह से होता है. इन्फ्लामेशन हो, अगर इन्फ्लामेशन बेसिकली उसमें सिम्टम क्या हो गए, आपको फ्लू जैसे सिम्टम हो जाएंगे. जैसे मान लीजिए ज़्यादा इन्फ्लामेशन है बॉडी में, एक छोटी सी जगह है जैसे मच्छर ने काटा तो कुछ नहीं होगा, अगर पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो फीवर आएगा, बुखार, चिल्स, आपको एनर्जी कम हो जाएगी, सर में दर्द हो सकता है, भूख कम लगेगी, एपेटाइट कम लगेगी, मसल स्टिफनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब होगा. लेकिन ये सब कौन करता है, इन्फ्लामेशन होता कैसे है? आपके बॉडी में इम्यून को प्रोटेक्शन के लिए रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, बॉडी के अंदर ब्लड में सेल्स है. रेड ब्लड सेल्स तो वो है जो खून में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, हीमोग्लोबिन लेके जाते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स वो हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स आपको फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करते हैं बाय वेज ऑफ केमिकल्स. ये ब्लड में केमिकल्स उस जगह सिक्रीट करते हैं जहां उनको ऐसे फॉरेन बॉडीज, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं. ऐसे केमिकल जैसे उस एरिया में जहां इंजरी हुई, जहां चोट लगी, जहां पे इन्फेक्शन हुआ, जहां कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, वहां पर वो केमिकल सिक्रीट करेंगे अपने जितने भी साइटोटॉक्सिन, साइटोकाइंस, इन्फ्लामेटरी मार्कर, हिस्टामीन्स. तो ये इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस है, इंट्रामेटरी एंजाइम्स हैं इन्फ्लामेशन, ये क्या करेगी, वहां पर रेडनेस यानी वहां खून का फ्लो बढ़ा देगी. वहां पर रेडनेस हो जाएगा क्योंकि वहां पर खून का फ्लो बढ़ाना, जैसे कि जहां दंगा होगा हम फोन करके पुलिस बुलाते हैं, तो वहां वो और खून मंगाएगी कि और लोग आओ, यहां जरूरत है, और चाहिए जो, तो जल्दी आओ, जल्दी आओ, तो खून का फ्लो वहां बढ़ जाएगा, रेडनेस आ जाएगी. जब वहां खून बढ़ेगा तो गर्मी आ जाएगी, वार्म हो जाएगा वो एरिया, तो वार्म आएगा, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी. जब वहां साइटोकाइंस होंगे तो वो साइटोकाइंस गोलियां चलाएंगे, एक तरीके से मान लीजिए वो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को मारना शुरू करते हैं, वो मारना शुरू करते हैं, साथ में कुछ नॉर्मल सेल्स भी वहां मरते हैं, इसीलिए वहां आपको पेन होता है, इसीलिए वहां पे दर्द का एहसास होता है, कभी जलन होती है, कभी ये होता है, राइट. और वहां नर्व्स भी होती हैं, नर्व्स होती हैं, ये साइटोकाइंस वहां नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं, ये इसीलिए ये प्रोटेक्टिव प्रोसेस आपका जो आपको बचाने के लिए है आपको थोड़ा बहुत नुकसान कर जाता है, राइट. बिल्कुल वैसे ही जैसे दंगा फसाद जहां होता है वहां जान और माल का नुकसान होता है, वैसे ही आपका भी माल का नुकसान हो सकता है, आपकी बॉडी का, इसीलिए आपको पेन हो सकता है. जब भी ऐसा इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर WBCs बढ़ जाते हैं, और अगर एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाए, मान लो आपके जॉइंट में हो गया, तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन में जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट के अंदर पेन, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. और यही इन्फ्लामेशन बिना ऑर्गेनिज्म, बिना किसी कारण, बिना किसी दंगे फसाद के भी हो सकता है. सोचो कहीं है नहीं दंगा फसाद, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस पुलिस का झुंड आया, आर्मी के लोग आए और एक पर्टिकुलर एरिया के, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों को मारना शुरू कर दिया, नुकसान देना शुरू कर दिया,
ऐसा ही कुछ होता है आपकी बॉडी के अंदर, हाइपर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यूनिटी, आपकी खुद की इन्फ्लामेशन, आपकी खुद की इम्यूनिटी, बिकॉज उसको लगता है कहीं तो कहीं प्रॉब्लम आई है बॉडी में, और आपके बॉडी के जॉइंट का कोई एक प्रोटीन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से मेल खा रहा है, या किसी और इस टिश्यू का, आपके हार्ट का, आपके जॉइंट का, आपके बोन का, आपके किसी और, आपके स्किन का, कोई ऐसा टिश्यू, ऐसा कोई प्रोटीन जो उस पर्टिकुलर बाहर के ऑर्गेनिजम्स के पार्ट से मेल खा रहा है, लगता है ये वही है, ये मिला हुआ है, या ये वो जाके उस एरिया में, उस जॉइंट में, उस पर्टिकुलर स्किन के टिश्यू में, उस हार्ट के टिश्यू में इन्फ्लामेशन करना शुरू कर देती है बॉडी। इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, और इसी की वजह से आपको बीमारी होती है आर्थराइटिस, इसी की वजह से आपको होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी की वजह से आपको होता है रूमेटिक फीवर, इसी की वजह से होते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, इसी की वजह से होती है सोरियासिस, इसी की वजह से बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है, स्किन की, बो हार्ट की, बहुत सारी, राइट। सो आपको ये समझना है कि इन्फ्लामेशन है तो आपके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो हाइपर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। इन्फ्लामेटरी डिजीज अगर है तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कि आपको इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है कि नहीं, आपके अंदर इन्फ्लामेशन ज्यादा है कि नहीं, इसको समझने के लिए आपका ब्लड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपके जॉइंट्स, आपके पेन, कहाँ पेन है, कहाँ से, कब से शुरू हुआ, उस हिस्ट्री से पता चलता है ओके देयर माइट बी सम इन्फ्लामेशन। देन जॉइंट में स्टिफनेस है या कोई और सिम्टम है जिससे पता चले नहीं ये तो हार्ट का नहीं, ये स्किन का कुछ तो है, अगर जॉइंट में है इसी इश्यूज, तो फिर हमें एक्सरेस करके देखना होगा, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, ब्लड टेस्ट करने होंगे, जैसे कि आपका ESR, CRP, CBC, इसमें पता चलता है, और जॉइंट स्पेसिफिक मार्कर्स जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA फैक्टर, ASO, टाइटर्स, ऐसे मार्कर्स, हार्ट के लिए इकोकार्डियोग्राफी, मायोकार्डाइटिस हो सकता है इन्फ्लामेशन में, किडनी फेलियर, किडनी का प्रॉब्लम इन्फ्लामेशन हो सकता है, इंटेस्टाइन्स के, आपके पेट के हथड़ियों का इन्फ्लामेशन हो सकता है, इट कैन बी सो मेनी थिंग्स। सो इन्फ्लामेशन बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इन्फ्लामेशन ही है जिसकी वजह से आप जिंदा हो। अगर आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन जीरो हो जाए तो आपकी बॉडी में तुरंत हजारों इन्फेक्शन हो जाएंगे, आपके खुद ही के अंदर रहने वाले नेचुरल ऑर्गेनिजम्स आपको बीमार कर देंगे, आपकी मुंह के अंदर पूरा पूरा व्हाइट व्हाइट फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएंगे, आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो इन्फ्लामेशन एक होम्योस्टेसिस नाम के बैलेंस में रहता है बॉडी के अंदर, तो ये बहुत जरूरी है, राइट, इन्फ्लामेशन को करेक्ट करना, राइट। इसीलिए आपको इसको करेक्ट करने के लिए, अगर आपको किसी प्रकार की इन्फ्लामेटरी डिजीज है, मान लो जॉइंट की डिजीज है, तो आपको अंडरलाइन डिजीज प्रोसेस को समझना होगा, करेक्ट करना, कंट्रोल करना और स्लो डाउन करना होगा। इन सब के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, बीमारी समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे पेन या दिक्कत बढ़ती है उसको अवॉइड करना होगा, जिस पर्टिकुलर दवाओं से, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन से जिनसे रिलीफ मिलता है उसको लेना होगा, साथ ही उनके साइड इफेक्ट समझ के रेगुलर टेस्ट करने होंगे, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टीरॉयडल मेडिकेशन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन से आपको गैस्ट्राइटिस, पेट में छाले, अल्सर्स हो सकते हैं, सो उसके साइड इफेक्ट समझ के उसको लिमिट करना होगा, पेन किलर्स लिमिट करने होंगे, और गैस के लिए रेगुलर टेस्ट या रेगुलर मेडिसिन लेनी होगी। गैस की रेगुलर मेडिसिन लेने से B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, सो एक चीज के दूसरे साइड इफेक्ट्स, तो फिर हमें बैलेंस समझ के चलना जरूरी है कि इसके लिए क्या, उसके लिए क्या करना होगा, राइट। फिजिकल थेरेपी, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी पार्ट है जिससे फुल बॉडी का बेसलाइन इन्फ्लामेशन कम होता है। 8 घंटे की अच्छी नींद, 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है जिसमें फुल बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होता है, राइट। आपके मेडिकेशन जो यूज होते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, ना सिर्फ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां जैसे कि एस्पिरिन, ब्रूफेरिन, नेप्रोक्सिन, बल्कि कई सारे स्टीरॉयड जैसे कि प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिकोस्टीरॉयड, कई बार हाइड्रोक्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, मलेरिया जैसी बीमारी, एंटी मलेरियल इन्फ्लामेशन को करने के लिए यूज होती है, और स्पेशल आपकी डीमार्ट्स आती हैं जो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फीवर वीडियो में बताया था, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन, एजिथ्रोप्यूरिन, साइक्लोफोस्फामाइड, ये सारी दवाइयां आती हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं जो नए टाइप के दवाएं हैं, जब ये सब फायदा नहीं करते तो उनसे किया जाता है। इवन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज अपने आप में एक इस तरीके की बीमारी है। सो रिमेंबर, इन्फ्लामेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन वो हाथ से निकल जाए, वो कंट्रोल से बाहर हो, जैसे पुलिस वाले या कंट्रोल से बाहर हो तो वो उस शहर की ऐसी तैसी कर सकते हैं, सेम वे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ना हो तो भी प्रॉब्लम है, हो ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है।
ये हुई बात दोस्तों इन्फ्लामेशन की, कि क्या है इन्फ्लामेशन। तो आप मुझे बताइए आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, आपके क्या सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। राइट।